नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं कुंदन जमयार। घोसी उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी अलर्ट मोड में आ गई है। बीजेपी ने यूपी के सभी 80 सीटें जीतने के लिए अब नए सिरे से रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। बीजेपी ने ओबीसी मतदाताओं को अपने साथ जोड़े रखने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। पिछड़ा वर्ग के लोगों को जोड़ने के लिए ओबीसी महाकुंभ का आयोजन करने जा रही है बीजेपी। ओबीसी महाकुंभ प्रयागराज में होगा। इसमें प्रदेश भर के पिछड़ा वर्ग के करीब 2 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य पार्टी ने रखा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अब अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को तोड़ने की तैयारी में जुटी है। ऐसे में बीजेपी फिर से सभी जातियों को लेकर अलग अलग आयोजन करना चाहती है। इसी कड़ी में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा ने यह तय किया है कि वो इस साल कुंभ नगरी प्रयागराज में पिछड़े वर्ग की जातियों का महाकुंभ करेगी। इस आयोजन में प्रदेश भर से पिछड़े वर्ग के तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। सोमवार को प्रदेश कार्यालय पर ओबीसी मोर्चे की बैठक में ये निर्णय हुआ। पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने कहा कि इस बार प्रयागराज में ओबीसी जातियों को जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से ओबीसी जातियों के प्रतिनिधियों और नेताओं को भी बुलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे की प्रदेश कमेटी की बैठक संपन्न हुई। ओबीसी मोर्चे ने फैसला लिया कि 17 सितंबर को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ओबीसी मोर्चा बाइक रैली निकालकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर सेलिब्रेट करेगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को लाभान्वित करेगा। 24 सितंबर को ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोशल मीडिया की वर्कशॉप करके ओबीसी समाज को सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ने के लिए सफल अभियान की शुरुआत करेगा। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का फोकस ओबीसी की 79 प्रमुख जातियों पर है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर बाइक रैली निकालने का भी ऐलान किया है। इस दिन को बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाने की तैयारी में है। बीजेपी युवा वर्ग के ओबीसी तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया वॉलंटियर्स तैयार करने जा रही है। दरअसल बीजेपी की तैयारी है कि 2024 में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए सोशल मीडिया के जरिए हर व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाई जाए। इसकी शुरुआत भी पिछड़ा वर्ग मोर्चा करने जा रहा है। ये मोर्चा हर जिले में ट्रेनिंग वर्कशॉप करवाएगा। इसके जरिए पूरे प्रदेश में 20,000 युवाओं की टीमें तैयार की जाएंगी। दरअसल यूपी की सियासत मंडल कमीशन के बाद ओबीसी समुदाय के इर्द गिर्द सिमट गई है। सूबे की सभी पार्टियां ओबीसी को केंद्र में रखते हुए अपनी राजनीति का एजेंडा सेट कर रही हैं। वहीं घोसी उपचुनाव में सपा की पीडीए रणनीति कामयाब होती दिखाई दी, जिसके बाद बीजेपी ने 24 का दंगल जीतने के लिए अपने पुराने फॉर्मूले को धार देने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी में क्यों अहम है पिछड़ा वर्ग, आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पिछड़ा वर्ग की आधे से ज्यादा की हिस्सेदारी है, दरअसल इसलिए पिछड़ा वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। करीब 52% पिछड़ा वर्ग का वोटर है, जिसके साथ पिछड़ा वर्ग उसी की सरकार बनना तय है। 2019 में बीजेपी के साथ ओबीसी वोटर गया था, केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। 2014 में भी बीजेपी के साथ ओबीसी वोटर उत्तर प्रदेश का गया, केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी स्पष्ट बहुमत के साथ। 72 सीटें बीजेपी ने जीती थी और सहयोगी ने। 2017 में पिछड़ा वर्ग बीजेपी के साथ गया और यूपी में बीजेपी की सरकार बनी। 2012 में समाजवादी पार्टी को पिछड़ा वर्ग का समर्थन मिला, इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। और उससे पहले 2007 में दलित और अति पिछड़ा दांव चला बीएसपी ने और बीएसपी की सरकार बनी, मायावती सीएम बनी, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। तो ओबीसी जिसके साथ चला जाएगा उसकी सरकार बनना तय है, उसका दबदबा तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया था। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को इस योजना का शुभारंभ होगा। माना जा रहा है कि ओबीसी वोटरों को साधने का बीजेपी का ये प्लान 2024 में गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या है विश्वकर्मा योजना, वो जानिए। दरअसल प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना का आगाज हो सकता है ये कहा जा रहा है।
पीएम मोदी करेंगे विश्वकर्मा योजना का आगाज। 2008 तक 13,000 करोड़ करने का योजना रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था। पारंपरिक कामगारों को मिलेगा सस्ता लोन, इसके तहत सिर्फ 5% की ब्याज पर लोन मिलेगा। 1,00,000 तक का लोन सरकार देगी। दूसरे चरण में मिलेगा 2,00,000 तक का लोन। ये दूसरे चरण में जब आप फर्स्ट लोन चुकता कर देंगे तो दूसरे चरण में 2,00,000 तक का लोन मिलेगा। करीब 30,00,000 पारंपरिक कारीगरों को मिलेगा इसका लाभ। ट्रेनिंग के साथ 500 रुपए का स्टाइपेंड भी देने की योजना सरकार ने बनाई है। 2024 के लिए गेम चेंजर इसे साबित होगी ये स्कीम, ये कहा जा रहा है।